भोलेनाथ के सभी भक्तों को नमस्कार, राम राम। तो मैं हूं आपका दोस्त संजू शर्मा। आज मैं आपको एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की यात्रा की सैर करवाने वाला हूं। तो आज की वीडियो दोस्तों कुछ वीडियो हट के होने वाली है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर ये है स्टेशन, यहां से आज की यात्रा की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। लेट्स गो। तो दोस्तों यहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो यात्रा है कितनी दूर है, इसका डिस्टेंस वगैरह सभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। भक्तों आज की वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको पूरा रास्ते का व्यू बताएंगे और ऊपर बाबा जी के दरबार का व्यू भी आपको दिखाया जाएगा, और दूसरी वीडियो में इस बाबा जी की कंप्लीट हिस्ट्री होगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस बाबा जी की दी जाएगी। दोस्तों लगभग थोड़ा सा सफर हमने तय किया है, अभी हम पहुंचे हैं बलाना कुंड, जगह का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ की सीनरी के बारे में, काफ़ी अच्छा व्यू है। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बारिश बहुत है, उसकी वजह से हम आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं, धुंधला धुंधला ही दिखा पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों में कुछ अलग ही नज़ारा होता है। शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध पानी होता है। यहाँ हमें एक पानी मिला, काफ़ी ठंडा पानी, और हमने इस पानी को थोड़ा पी लेते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे लोग हैं, ये भी पानी पियेंगे। उसके बाद हम आगे चलकर आपको और थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस बच्चे की बात सुनते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राजेश सिंह राणा। तो आज आप कहाँ जा रहे हो? देहरा टॉप। तो आपको पता है कितनी दूर है देहरा टॉप? हाँ, अभी 50% और जाना है। 50% है? हाँ। तो आपने यहाँ पानी पिया, पानी कितना ठंडा लगा आपको? काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, भी रहा है। हमने थोड़ा सा सफर और तय कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे एक नाला आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा पानी आपको इस नाले में देखने को मिलेगा। और मैं आज की बात बताऊं तो आज इतनी ज़्यादा बारिश है, लेकिन बाबा के भक्त फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनके दिल में जो श्रद्धा है वो बाबा जी के दरबार में जाना ही जाना है, और इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर भी भक्त बाबा जी के दरबार में जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों हमने लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर दिया है, थोड़ी ही देर में हम बाबा जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो वहां से आपको बाबा जी के दरबार का सुंदर व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। यहां हम पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर नज़ारे, और यहां की ब्यूटी की बात करूं तो काफ़ी औसम ब्यूटी आपको देखने को लगेगी। और सामने आप देखोगे एक बहुत ही ऊँचा पहाड़ आपको देखने को लगेगा। तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है रामनी तार, जिसको हम रामनी तार डोगरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये आपको सामने देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो बहुत सारे यात्रु लोग जो हैं इस ऊंची चढ़ाई को चढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। दोस्तों बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ऐसे स्थान पर जाने का मौका मिलता है। उनमें मैं भी आज अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे भी आज इस सच्चे दरबार में जाने का मौका लगा है। और यहाँ पर आप देखोगे जितने भी यात्रु लोग हैं काफ़ी श्रद्धा लेकर बाबा जी के दरबार में जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो लगभग दोस्तों हम बाबा देहरा टॉप में पहुंच चुके हैं, तो अभी थोड़ी ही देर में हम आपको बाबा देहरा टॉप का व्यू दिखाएंगे। तो इतने ऊंचे पहाड़ पर दोस्तों मैं आपको बोलूं तो मैंने लाइफ में इतना ऊंचे पहाड़ की यात्रा पहली बार करी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाबा जी के दरबार का व्यू, जो क्राउड बाबा जी के दरबार में, आज इतनी बारिश होने की वजह से भी आज बाबा जी के दरबार में काफ़ी सारे यात्रु आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं भी दिखाता हूँ आपको बाबा जी के दरबार में जितना जो क्राउड, आज जितने लोग बाबा जी के दरबार में श्रद्धा लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है वो बाबा जी का सच्चा दरबार जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ की ब्यूटी के बराबर मैंने ब्यूटी आज तक नहीं देखी हुई है।
क्योंकि आसपास में जो ऊंचे ऊंचे टापू बने हैं ये काफी खूबसूरत लगते हैं, और बीच में ही आपको एक कुंड देखने को मिलेगा, दो छोटे छोटे से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये डेरा टॉप बाबा है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया नहीं, ये डेरा टॉप बाबा है जिसके स्थान पर अभी हम आ पहुंचे हैं। तो आप देखोगे अभी पूरा मेला नहीं भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये पूरा मेला भर जाएगा। हम चलते हैं मंदिर की ओर और करते हैं बात पुजारी जी से, साथ में हम दर्शन भी बाबा जी के करते हैं और रुट भी बाबा जी के दरबार में चढ़ाते हैं। जय बाबा डेरा टॉप की। तो अभी हम बात करते हैं पुजारी जी से और इनसे जानते हैं इस बाबा जी के बारे में। तो पुजारी जी, थोड़ा शॉर्ट में हमें इस बाबा जी की हिस्ट्री के बारे में बताइए। जो बाबा जी हैं वो बहुत प्राचीन काल से जहाँ पे विराजमान हैं, तो जहाँ पर जो चिरानी के राजा हैं वो एक बार जहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने बाबा जी से शर्त की कि हमें दर्शन दो। तो उन्होंने बाबा जी ने एक गर्दन वाला सांप दिखाया, तो बाबा जी राजा जी जो खुश नहीं हुए, उन्होंने बोला कि ऐसे सांप मैंने कई देखे हैं। तो बाबा जी ने दो गर्दनों वाला सांप दिखाया, तो उसके बाद भी राजा संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने फिर पांच मुंडियों वाला जो नाग है वो दिखाया, तो फिर बाबा जी तभी भी जो राजा जी हैं वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने सात मुंडियों वाला सर्प जो है वो दिखाया, तो उसके बाद तब भी राजा जी बोले हम सांप तो कई देखते रहते हैं, तो हमें अच्छा दर्शन दो। तब बाबा जी ने सांड के रूप में दर्शन दिया और जो तालाब था वो पूरी तरह से जो उबल कर सामने आया। तो राजा जी जब बहुत हैरान हो गए कि इतनी शक्तिशाली जगह है तो मैंने जहाँ पे ऐसी शर्त क्यों रख दी। तो तब बाबा राजा जी के पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर बाबा जी को बेंड के रूप में दे दी। तो बाबा जी तो दर्शन के बाद संतुष्ट हुए, राजा जी वापस चले गए। तो मरोठी में जब राजा जी पहुंचे तो वहां पे पानी पीने लगे, तो जो दी हुई अंगूठी थी वो उनको वापस उनके हाथ में पहुंच गई। तो ये जगह जो है वो बहुत शक्तिशाली है, प्राचीन काल से जहां ये मेला लगता है, हजारों लाखों की तादाद से लोग आते हैं। तो ये शीतला माता की पंचमुखी शीतला माता की मूर्ति है, ये भी प्राचीन है, जहाँ पे लोगों की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, जो भी मनोकामना कोई रखता है तो वो पूर्ण होती है। तो ये शिव शंकर भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, ये ब्रह्मोर का शिवलिंग है। तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो स्वर्गीय श्री ठाकुरदास जी के सपुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे और साथ में रुट वगैरह और धूप यहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक पत्थर पर सांप बहुत ही बड़े रूप में बनाया गया है, यह है नाग देवता के दर्शन यहाँ पर आपको हम करवा रहे हैं, और यहाँ पे पुजारी आपको टिक्का लगाते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मेला भरने लगा है, कुछ हद तक मेला अभी भरने लगा है और बहुत दूर दूर से लोगों ने आकर यहाँ दुकानें वगैरह लगाई हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है। अभी थोड़ा डोगरी गाने का मजा लेते हैं। वो कल परदेसा चली जाना जय भोलेनाथ। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव ने भी कुछ लोगों को वरदान दिया होता है, जैसा कि मुझे ये लड़का मिला यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ कि भगवान शंकर की जो जटाएँ होती हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बेटा, आपका नाम क्या है, ज़ोर से बोलना थोड़ा। इनका नाम जो लक्ष्मण बोलते हैं, तो ये सिरा मोड़ का रहने वाला है, लाठी के पास जो लाठी तहसील है वहाँ का रहने वाला है। तो देखिए भगवान ने कितने वरदान लोगों को दिए होते हैं, इसको नेचुरली एक वरदान दिया है भोले बाबा ने कि इनको नेचुरली जो जटाएं होती हैं वो इनको हैं। ये खुद कुछ लोग तपस्या करके इन जटाओं को हासिल करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि इसने, इस छोटे से बच्चे ने कोई तपस्या नहीं करी, लेकिन फिर भी भगवान शंकर का इस पर
हाथ है और भगवान शंकर ने जटाओं के रूप में इसमें वास किया हुआ है। तो भक्तों, ये खूबसूरत स्थान जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हिंदुस्तान की यूटी जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील चनैनी में ये खूबसूरत स्थान आपको नज़र आएगा। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्टेंस बता दूँ, जम्मू से लगभग 120 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये मरोठी गांव से ऊपर आपको यात्रा स्थान मिलेगा। तो तहसील चनैनी से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये खूबसूरत स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो आप कभी भी इस स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। अब कुछ दिनों के बाद, दिसंबर के बाद तो आप यहाँ आ नहीं सकते और मार्च अप्रैल तक आप इस स्थान पर पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आप इस खूबसूरत स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो हर साल सावन महीने के तीसरे रविवार को यहाँ मेला होता है, इस मेले में आप आकर इस खूबसूरत स्थान के दर्शन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम आपको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री बताएंगे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। जय भोलेनाथ।